प्रताप सिंह खाचर आवास कह रहे हैं सबको एकजुट होना है, प्रदर्शन करना है, विरोध करना है। राहुल गांधी की तस्वीर बीजेपी ने गलत छापी है, अब उसे लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है और चुनाव में भी मुद्दा जोर शोर से उठेगा ही उठेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। एसडीएम के सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया है। झोटाड़ा स्थित तारानगर में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, नकदी और मोबाइल चुराकर चोर ले गए। गंगानगर के साधु शहर में एसडीएम के पद पर तैनात योगेश सिंह देवल के घर पर चोरी की वारदात हुई। योगेश सिंह की पत्नी अर्चना ने झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। एसडीएम साहब का मामला है तो शायद अब कार्रवाई भी तुरंत की जाएगी। चोरों को पता नहीं था, खबर नहीं थी, एसडीएम साहब का घर है और इसीलिए चोरों ने यहाँ पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद कि अब एसडीएम साहब का घर भी नहीं छोड़ा। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विनय, पुलिस तो अब हरकत में आ गई होगी, घर एसडीएम साहब का जो है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए जो ये साधु शहर में एसडीएम के पद पर तैनात योगेश सिंह है, उनके सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है और उनकी जो पत्नी है अर्चना, उनकी ओर से झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस जो है वो चोरों की तलाश में जुट गई है। जो एसडीएम का जो घर है उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस जो है चोरों को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है। कुछ सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं चोरों के। हालांकि क्योंकि पूरा मामला एसडीएम से जुड़ा हुआ है इसलिए पुलिस इसमें तुरंत कार्रवाई कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। पुलिस कह रही है जल्द इस वारदात का खुलासा कर देंगे, लेकिन आपने आईना दिखाया पुलिस कर्मियों को, बताया उन्हें कि देखिए आपका इकबाल कितना बुलंद है साहब, एसडीएम के घर को भी नहीं छोड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, जो चोर हैं वो लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और राजधानी में जो चोरी की वारदात है वो काफी बढ़ रही है और अब मामला क्योंकि एसडीएम से जुड़ा हुआ है तो इसलिए पुलिस इसमें हरकत में आई है और तुरंत जो है कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल टीम भी बनाई गई है चोरों का पीछा करने के लिए और उनको गिरफ्तार करने के लिए। किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ आया सामने? जी सुमित, देखिए जो वारदात स्थल के आसपास जो कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनकी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। कुछ संदिग्ध उसमें चिन्हित किए गए हैं, ताकि उनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है या नहीं इसकी पड़ताल अभी फिलहाल पुलिस द्वारा की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा मकान के ताले तोड़ के लाखों की कीमत के जो सोने चांदी के जेवर हैं, कुछ चांदी के जो बर्तन है वो और एक मोबाइल फोन और नकदी जो है वो बदमाशों के द्वारा चुराई गई है और बताया जा रहा है कि जो एसडीएम योगेश सिंह की जो पत्नी अर्चना है वो अपने पति के पास गई थी और इसी दौरान मकान सुना था तब चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। विनय पंत मेरे सहयोगी जयपुर से फोनलाइन पर जुड़े। एसडीएम के सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चलिए अब